हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, बांग्लादेश गेट्स इट फर्स्ट बैच ऑफ यूरेनियम। तो बांग्लादेश को फर्स्ट बैच ऑफ यूरेनियम मिलता है। बांग्लादेश रिसीव द फर्स्ट यूरेनियम डिलीवरी ऑन थर्सडे फॉर इट्स रशियन बैक न्यूक्लियर प्लांट, अ प्रोजेक्ट एम्ड एट ब्लोस्टरिंग इट्स ओवरस्ट्रेच एनर्जी ग्रिड बट कॉम्प्लिकेटेड बाय सेंक्शंस ऑन मॉस्को। तो मॉस्को के ऊपर सेंक्शन लग चुका है, इसलिए थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन बांग्लादेश को यहाँ पे सहने पड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कोटेड रशिया'स टाई विथ रिन्यूड विग्रस आफ्टर वेस्टर्न क्रिटिसिज्म ओवर हर गवर्नमेंट्स राइट रिकॉर्ड। मॉस्को इज बैंक रोलिंग द डॉलर 12.65 बिलियन प्लांट विथ अ लोन फॉर 90% ऑफ इट्स कोस्ट विथ होप इट विल एलिवेट द क्रॉनिक ब्लैकआउट्स प्लेगिंग द साउथ एशियन नेशन। बांग्लादेश इज़ आवर लॉन्ग टर्म फ्रेंड एंड पार्टनर, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन सेड ड्यूरिंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विद मिसेस शेख हसीना टू मार्क द हैंड ओवर। मिस्टर पुतिन ऑल्सो प्लेज असिस्टेंस टू यूरेनियम सप्लाई, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेंट फ्यूल। कंस्ट्रक्शन ऑन न्यूक्लियर प्लांट एट रूपनगर, अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ गंगा गैंजेस, अरे बेवकूफ गंगा बोलो ना, गंगा रिवर, 175 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द कैपिटल ढाका, बिगेन In 2017, the first of its twin 1200 megawatt unit is slated to begin operation next year, and both reactors should be fully online in 2025. तो देखते हैं exam point of view से क्या important हो जाता है। सबसे पहले uranium NIUM, अरे यार क्या है ये यूरेनियम, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर, इसमें यूरेनियम का तीन यूज होता है, एक मिलिट्री यूज, एक पावर के लिए और एक नॉर्मल। तो मिलिट्री पावर में क्या एक 20% होता है, एक 80% होता है। अभी आप लोग बताइए 20% वाला कौन सा, एक 50% भी होता है। तो ये वाला मिलिट्री ग्रेड होता है, ये तो नहीं होता है जल्दी, ये वाला आपका इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे बिजली की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। यूरेनियम न्यूक्लियर पावर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार इस टॉपिक को देखिएगा, एंड अगर आपको चाहिए इसके ऊपर एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो जिसमें सारा मतलब साइंस एंड टेक में कवर कर दूँ, तो प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। मैं ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर आपका साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ वर्क आउट टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।